एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं काफ़ी टाइम की उठ चुकी हूँ और नींद आजकल मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है और उनके बिना मुझे रहने की आदत नहीं है। बच्चे अभी सो रहे हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है और अभी तक मेरा कोई भी काम घर का हुआ नहीं है क्योंकि मेरा मॉर्निंग का फिट क्लब चलता है तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत अपना जो है टाइम देती हूँ क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी है और वो भी मुझे संभालना पड़ रहा है क्योंकि हस्बैंड नहीं है यहाँ पर। तो अभी जितने भी ऑल सीनियर कोच हैं वो यहाँ पे उसको क्लब को संभाल रहे हैं, बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं कॉलिंग वगैरह का तो वो मैं कर लेती हूँ और मुझे थोड़ी बहुत देर उसमें बैठना भी पड़ता है। और अभी 7 बजने वाले हैं और मुझे मंदिर भी जाना होता है तो उससे पहले मुझे झाड़ू पोछा करके जाना होता है। और काफ़ी बड़ा फ्लैट है ये जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो मैं रेंट पर रहती हूँ यहाँ पर और काफ़ी बड़ा फ्लैट है तो एक कमरा मेरे पास है, एक कमरा बंद पड़ा हुआ है। बाकी अंकल जी तो कई बार कह भी चुके हैं कि मैं वो दूसरा कमरा भी ले लूं, तो अभी मेरा इतना है नहीं हिसाब और मैं लेकर भी क्या करूंगी क्योंकि मेरे घर में कोई गेस्ट वगैरह आता नहीं है और फ्लैट ये भी काफ़ी बड़ा है। अगर कोई गेस्ट आता भी है तो उन्हें हम बाहर बरामदे में सुला देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है वहाँ पर, है ना। तो ये पूरा छत है इधर को खुला हुआ है और यहाँ पर वॉशरूम है और वॉश बेसिन है और इधर लैट्रिन बाथरूम जो है वो बाहर की साइड में है और सीढ़ियाँ हैं ये इधर, तो आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पौधे हैं जो मैंने पहले लगाए थे, पिछले ब्लॉगों में आपने देखा होगा जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो इनके जो पत्ते हैं ना वो काफ़ी हद तक सूख गए हैं और ये ऊपर से सूखते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है इन पेड़ पौधों को। और आज का मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, इतना सुहाना मौसम हो रहा है, बादल हो रहा है चारों तरफ और इतना अच्छा मौसम देख के तो बस ये मन करता है कि और लेट जाऊँ, बस सो जाऊँ थोड़ी देर और, तो मुझे नींद सी आने लगती है। तो बारिश का पूरा मौसम हो रहा है, अगर आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और झाड़ू लग गई है, मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है बिकॉज मुझे नहाना भी है और 8 बजे तक मुझे जाना है मंदिर, तो इसलिए सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ रहे हैं। और अभी मेरा चल रहा है फिट क्लब भी, अभी आज ना जो हमारे न्यूट्रिशन फ्लॉस पर हैं मिस्टर उपदेश त्यागी, तो वो वेल सीनियर कोच हैं हमारे, तो वो आज न्यूट्रिशन फ्लॉस भी दे रहे हैं तो वो भी सुनने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मुझे मंदिर जाना रहता है अभी, तो इसीलिए मैं पूरा टाइम क्लब को नहीं दे पा रही हूँ। फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी क्लब की ताकि मैं बाद में सुन सकूं और आप लोगों को भी सुना सकूं, तो चलिए सुनते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर, हमारी पैनक्रियाज के अंदर हमारी ग्रंथि खुद बनाती है। देखिए मैं बताऊँ आपको, दुनिया की जितनी भर भी दवाइयाँ हैं ना, किसी भी रोग को ठीक करने की जो दवाई है ना दुनिया में, वो शरीर खुद बनाता है। सही मायने में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे इंसुलिन है, ये क्या है? ये एक हार्मोन है। अब ये जो हार्मोन से शरीर खुद बनाता है। अब क्योंकि बहुत दिन हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, हमने हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथि का भोजन ही नहीं खाया दिया उसको आज तक। अच्छा रास्ता क्या है उसके भोजन जाने का? उसका भोजन उसे मिले उसका रास्ता क्या है? मुंह, यस और नो? और इस मुंह में क्या जाएगा? जो दिमाग समझता हो, यस और नो? और क्योंकि दिमाग तो मेरा जानता ही नहीं है कि मेरे अंदर इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि है और उसका भी कुछ भोजन है कि नहीं, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रंथि ने काम करना बंद कर दिया, उसने अपना काम बंद कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता वो वीक हो गई और वो कमजोर हो गई और अब वो अपना काम करना उसने बंद कर दिया, है ना। दिमाग को समझ आया जो सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि इससे बड़े सेंसर दुनिया में आज तक भी नहीं जो शरीर के सेंसर है। आप देखो पैर के अंगूठे के नीचे कोई कुछ चीज लगी, कोई चोट लगी, कुछ चुभा और दिमाग को 1 सेकंड के 10 हिस्से के अंदर पता चल गया कि पैर के नीचे कुछ चोट लगी, है ना। सुपर कंप्यूटर, इसका सेंसर सबसे ज्यादा अलर्ट रहता है। हवाई जहाज के सेंसर भी इतने बड़े नहीं होते, शायद रॉकेट छोड़ने वाले सेंसर भी इतने ज्यादा अलर्ट नहीं होते जितना बॉडी के अंदर सेंसर होता है। सो माय डियर फ्रेंड, दिमाग को क्या पता चल गया कि जो इंसुलिन बन रहा था उसका असंतुलन हो गया। अब क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने क्या करा, बाहर से इंसुलिन दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया बाहर से इंसुलिन। दिमाग को क्या समझ आई, इंसुलिन बनना शुरू हो गया, है ना। उसने गौर नहीं करी इस बात पे कि ग्रंथि ठीक हुई कि नहीं, दिमाग को धोखा लग गया और धोखा कहने का लग गया कि इंसुलिन बनना शुरू हो गया, इसलिए उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं करा कि उधर कोई दिक्कत क्या चल रही है, क्या परेशानी। आहिस्ता आहिस्ता वो दिक्कत बहुत बड़ी हो गई, इंसुलिन की डबल डोज हो गई, ट्रिपल डोज हो गई, आखिरकार वो आदमी टेक ऑफ, यस और नो? लेकिन सही इलाज क्या था कि इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि का भोजन दे दो, और भोजन क्या था? प्रोटीन।
और जब आपने प्रोटीन लेना शुरू करा, आपने उसको प्रोटीन देना शुरू करा, आहिस्ता 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 वो अच्छा होना शुरू हो गया, वो अपना काम करना शुरू कर दिया और इंसुलिन बनना शुरू हो गया और बाहर से इंसुलिन बंद हो गया। तो क्योंकि हम शुगर को ठीक करने का वादा और दावा तो नहीं करते, लेकिन क्या कॉमन सेंस से आप सीख पा रहे हो कि नहीं करना क्या है? क्योंकि मैं आपके साथ ऑनलाइन हूं, तो मैं हालांकि ऑनलाइन भी ना हूं तब भी हम अपने मिशन में तो मैं अपना कैमरा यहाँ पे लैपटॉप के आगे लगा गई थी, तो थोड़ी सी न्यूट्रिशन ट्रेनिंग भी इसकी वीडियो बन गई थी और मैं आ गई थी। अभी नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ और अभी मुझे जाना है मंदिर। नाश्ता वगैरह बनाना है बच्चों के लिए। तो आपको मेरा फुल ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिटनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। यार बिल्कुल मैं पक्का जवाब देने वाली हूँ आपको, और आप सभी जानते हैं कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो आज ऑफिस पे भी जाना है, क्योंकि कल मैंने स्किप कर दिया था, कल मैं जा नहीं पाई थी, गई नहीं थी जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि जा नहीं पाई थी, तो कस्टमर घर पे ही आ गए थे कल, तो कल का भी अच्छा बहुत बढ़िया दिन रहा मेरा। और चलिए देखते हैं आज का मेरा दिन कैसा रहता है, तो चलिए अब चलते हैं किचन में। एंड अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो बनाना तो आज कुछ है नहीं क्योंकि रात मैंने मलाई कोफ्ता की रेसिपी बनाई थी, आपने पिछले ब्लॉग में मेरे देखी होगी, सॉरी शॉर्ट वीडियो में मैंने डाली थी बना के, तो वो अभी रखे हुए हैं मेरे पास मलाई कोफ्ता, आधे हम लोगों ने रात खा लिए थे, आधे अभी बाकी बचे हुए हैं, तो अभी मैं इनको दोबारा से फ्राई कर लूँगी। तो चार पाँच रोटियों का मेरे पास आटा बना हुआ था, गुथा हुआ रखा था, रात को ही मैंने रख दिया था कटोरी में ढक के, तो अभी इतनी ज़्यादा कोई गर्मी नहीं है जिसकी वजह से आटा ख़राब हो जाए, अभी ठंडा मौसम है तो इसीलिए मैंने रख दिया था। वैसे मैं रात को आटा बचा कर गुथा हुआ रखती नहीं हूँ, उनकी रोटियाँ ही बना के रखती हूँ, क्योंकि रोटियाँ बेहतर रहती है, आटा गुथा हुआ आटा ठीक नहीं रहता है। तो रात को मैंने चार पांच पूड़ियाँ बनाई थी जो कि बच्चों ने खा ली थी, और तो अभी मेरे पास चार पाँच पूड़ी का आटा है अभी, तो अभी भी मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बना रही हूँ, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी पूड़ी बना लो, और बाहर बारिश भी हो रही है तो पकौड़े तो बना नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा चलो पूड़ी बना देती हूँ मलाई कोफ्ते के साथ में। तो मलाई कोफ्ते को भी मैंने दोबारा से फ्राई करना है, और बाहर बंदर आ गए हैं बहुत सारे क्योंकि बारिश हो रही है, तो दूर दूर से आ जाते हैं बंदर, लेकिन रेगुलर नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है रेगुलर आते हैं बाहर से बंदर, तो ऐसा नहीं है। और मैं दूसरी कढ़ाई में यहाँ पे लगाऊंगी तड़का, जो हमारे मलाई कोफ्ता है उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, और मलाई कोफ्ता बना तो लिए हैं बट जितने शौक़ से मैंने बनाए थे इतने शौक़ से मैंने खाए भी हैं, ऐसा नहीं है बट मलाई कोफ्ता ज़्यादा खाए हैं, रोटी खाने का बहुत कम मन कर रहा है, और भूख दिन में सिर्फ एक ही बार लगती है, एक ही बार मैं खाना खा पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पहले खा रही थी वैसे खाना मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी पूड़ियाँ बना दो, तो मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ ज़्यादा करके बना ली थी क्योंकि बाहर बंदर आ गए थे, तो दो तीन पूड़ियाँ उनको भी बच्चों ने खिला दी थी आधी आधी करके, तो दोपहर तक बंदर वहाँ पे रुक गए थे, और अभी मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में आपको कितने सारे बंदर आए हुए हैं, और कुछ तो नीचे आ गए थे उतर उतर के, और कुछ ऊपर ही है छत पर, तो बारिश पड़ रही है तो ऊपर जाल है ना, तो टीन के नीचे बैठे हुए हैं बंदर जाल पर, तो मैं उनको बार बार देख रही थी, आप देख रहे होंगे मैं बार बाहर को देख रही हूँ, तो उन्होंने हमारा गमला फोड़ दिया था, तो अभी वही बच्चे देख रहे थे कि मम्मी इन्होंने गमला फोड़ दिया है। और मेरे यहाँ पे सब्जी भी फ्राई हो चुकी है और दो चार पूड़ी और बनानी बाकी है, तो ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाऊँगी, जितनी अभी खाएंगे बच्चे गरम गरम सिर्फ उतनी ही बनानी है, क्योंकि घर में कोई और है नहीं, बच्चे ही हैं। और ये देखिए बंदर, उन्होंने गमला भी गिरा दिया है एक, और ऊपर बैठे हैं, और इधर मैंने प्याज बोई हुई थी, जो प्याज रखी रखी जम जाती है ना उसमें मतलब कल्ले निकल आते हैं, तो ऐसी मैंने प्याज को गमलों में लगा दिया था ताकि मुझे होली पे काम देगी, और आलू हो जाएगी उसमें हरी हरी प्याज हो जाएगी ना पत्ते वाली, तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो सारी प्याज ये बंदरों ने निकाल के सबका सत्यानाश कर दिया है। और आप देख सकते हैं जो एक प्याज और बची थी तो वो दूसरा वाला लेने को आ गया था उसको, और ये देखो निकाल के उसमें से बाहर को डाल दिया इन्होंने, पूरा खोल दिया उसको, और ये देखो छोटे छोटे बंदर हैं बहुत सारे, ये देखो ये आ गए। ये देखो बच्चा भाग रहा है, देखो फ्रेंड्स देखो तो भाग गया ऊपर को, ऊपर को भाग रहा है, और देखो इधर गमला तोड़ दिया है इन्होंने हमारा, छत की क्या हालत कर दी है, और देखो उधर मिट्टी पड़ी है, गमले रखे हैं। अरे आ रही हूँ,
गाइस अभी दोपहर का टाइम है और बच्चों का एग्ज़ाम था 11 बजे। ये बच्चे चले गए थे स्कूल में, तो ये मेरी बड़ी बेटी है निमिषा, तो ये बता रही है अपने एग्ज़ाम के बारे में। तो इसका एक क्वेश्चन जो है वो छूट गया है, मिस्टेक हो गई है कोई, तो वो आके मुझे ये कि मम्मा मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट गया है, तो डेली आके मुझे बता देती है जो भी क्वेश्चन अगर इसका छूट जाता है तो मुझे बता देती है कि मम्मा आज मेरा एक क्वेश्चन छूट गया है। तो अभी ये भूख भूख चिल्ला रही थी फिर से, तो मैंने बोला इनको एक पपाया रखा है उसको काट लो और अब बनाएंगे हम शाम का खाना। तो शाम ही हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, कम से कम अभी समथिंग 4-5 बजे का टाइम होगा। तो मैंने इनको बोल दिया है आप पपाया खा लो बेटा, इतने हम बनाते हैं खाना। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है, थोड़े से चावल बनाऊंगी बस एक कटोरी, और मेरे पास आलू रखे हुए हैं बॉईल किए हुए, तो आज मैं बना रही हूँ बॉईल किए हुए आलू, तो पतले करके बनाऊंगी चावलों के साथ आराम से खा लेंगे। बाकी शिमला मिर्च और दाल का तड़का लगाऊंगी अच्छे से, राई का और दाल का। और वैसे ही जब से वो आलू बनाए हैं ना मैंने बेसन वाले, बेसन 1 चम्मच बेसन और वो दाल वाले, तो मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तब से बॉयल आलू अब जब भी बनाती हूँ ना मैं सेम वैसे ही बनाती हूँ, क्योंकि उससे पहले दूसरे तरीके से बनाती थी, यू नो सिंपल तरीके से बनाती थी, जैसे कि प्याज का और जीरे का तड़का लगा के। लेकिन अभी प्याज और जीरा सभी कुछ डालती तो हूँ, लेकिन साथ में उड़द की दाल और चने की दाल ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे पपाया, और पपाया इतना मीठा निकला था ना गाइस, बस मैं क्या बताऊँ ना, बहुत मीठा निकला था। और मेरा मन कर रहा था कि मैंने बच्चों को क्यों दे दिया, मैंने क्यों नहीं खाया वो, वैसे वो मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी खिला देते हैं। तो बच्चों के लिए भी पपाया बहुत अच्छा है, और बड़ों के लिए स्पेशली लेडीज़ के लिए पपाया बहुत बहुत अच्छा है। अगर किसी के इन्फेक्शन बार बार होता है या पेट ख़राब रहता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो आप पपाया खाइए, पपाया बहुत बहुत अच्छा है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और भी बहुत कुछ मतलब पाया जाता है इसमें, और फाइबर तो भरपूर मात्रा में होता ही है। तो आप इसे अपने हेल्दी स्नैक्स में भी ले सकते हैं, इसका वेट लॉस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि वेट लॉस में टोटल पपाया ही खाएंगे, ऐसा नहीं करना होता है ना, क्योंकि शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन एक कम्प्लीट मात्रा में, है ना। तो उसका अगर आप उसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे फिट क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में और इवनिंग में चलता है। पपाया के तो अपने फ़ायदे हैं ही, और वैसे तो आजकल लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं, यूट्यूब पे देख देख के तरह तरह के उपाय करने लग गए हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो शरीर की हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो हमेशा अपने गाइडलाइन या कोच के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं मैंने बनने के लिए, तो बस एक कटोरी चावल मैंने धो के डाल दिए हैं अच्छे से, तो पानी थोड़ा ज़्यादा था कुकर में तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया है थोड़ा सा। और मेरे जो चावल हैं वो बासमती के हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे पानी की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर आलू की सब्ज़ी, तो जो मैंने मेरे पास आलू रखे हुए उसे मैं फोड़ लूँगी, और मेरे पास 2 शिमला मिर्च पड़ी हुई हैं तो शिमला मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी सी। वैसे तो मैं गाजर और मटर डालती हूँ उन वाले आलुओं में, बट आज मेरे पास कुछ है नहीं, यानी गाजर मटर है नहीं, मटर तो थी ही मेरे पास बट मैं घर पे नहीं थी, तो दरवाज़ा खुला था तो बंदर ले गया था पॉलिथीन उठा के मटर की, तो इसीलिए तो मटर तो ख़त्म हो गई है तो 2 शिमला मिर्च पड़ी हुई है मेरे पास, गाजर भी नहीं है। जो गाजर थी वो मैंने यूज़ कर ली थी कल, आपने देखा होगा, तो मैंने वो डाल दी थी, और मतलब वो बनाया था पोहा बनाया था उसमें डाल दी थी मैंने, है ना, गाजर और जो मेरे पास शिमला मिर्च एक्स्ट्रा थी वो डाल दी थी। और ये आलू बॉयल किए हुए मैंने बचा लिए थे, तो अब इनको मैं लगा दिया है तड़का, और तड़का मैंने बहुत शानदार तरीके से लगाया है, शॉर्ट वीडियो में इसका फुल रेसिपी आपको देखने को मिल जाएगी। और राई इसमें सबसे पहले मैं लगाती हूँ राई और हरी मिर्च का तड़का, उसके बाद डालती हूँ मैं जीरा और प्याज डालती हूँ, उसके बाद जो दाल तेज पात के पत्ता रहता है ना दाल वगैरह वो डाल देती हूँ, तो अच्छे से काफ़ी अच्छे से भुन जाती हैं दालें और प्याज वगैरह। उसके बाद ही मैं यहाँ पे बेसन और जो बेसिक मसाले हैं वो डाल देती हूँ, और यहाँ पे मैंने आलूओं को डाल दिया है मैश करके,
तो थोड़े से आलू थे, ये काफ़ी रहेंगे हमारे तीनों माँ बेटियों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो आए नहीं, वो तो पता नहीं कब आएंगे, और मैं बहुत बेसब्री से उनका वेट कर रही हूँ गाइस, बहुत अब तो दिन समझ लो कट भी नहीं रहे उनके बिना। और जब वो गए थे ना तब से ही मुझे खांसी हो रही है, और अभी तक मेरी आवाज़ नॉर्मल नहीं हो पाई है। आप अभी भी सुन रहे होंगे ना मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी सी वीक है, अच्छी नहीं हो पाई है, जैसे पहले थी वैसी आवाज़ अभी भी नहीं निकाल पा रही हूँ मैं गाइस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, और मैं ज़्यादा हंसती हूँ ना तो मुझे एकदम से खांसी आ जाती है। तो मेरा खाना रात का बनके तैयार है, और यहाँ पे मैं धनिया काट रही हूँ, धनिया काटने के बाद इसे डाल दूँगी मैं आलू के अंदर, और अब मैं जा रही हूँ, मैं जो बर्तन हो गए थे गंदे उसको मैं वॉश करके रख दिया है, और मैं जाऊँगी अभी मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे में मैं जलाने जाती हूँ शनिदेव का दिया, तो उनके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं जाऊँगी अभी शनिदेव के मंदिर, तो काफ़ी दूर है यहाँ से। और जब मैं दिए धो रही थी ना तो उसमें एक कच्चा दिया निकला था, जिसे मैंने यहाँ पर चाप लिया है आधा। पता नहीं उसको धो रही थी ना, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने उसको आधा खा लिया है। सो गाइज, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है आपको कमेंट में बता दिया करो यार, कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो कमेंट में बता दिया करो, मुझे ना बहुत अच्छा लगेगा, और आप क्या क्या देखना पसंद करते हो वो भी बता दिया करो। तो यहाँ पे मैंने काले तेल ले लिए हैं और सरसों का तेल डाल लिया है दियो में, और अब मैं जाऊँगी शनिदेव के मंदिर पे। तो आप लोग ना मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मैं यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है। सो गाइस, अब आके वहाँ से आने के बाद मैं खाऊंगी खाना, तो आगे की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मुझे कॉल वगैरह आ जाती है ना लोगों की, कस्टमर बहुत सारे हैं तो सबकी कॉल भी अटेंड करनी पड़ती है, सबसे बात करनी पड़ती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से वीडियो अभी शूट नहीं कर पा रही हूँ ऐसा मुझे लगता है, बट आपको क्या कमी लगती है आप भी मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।